नमस्कार दोस्तों, यात्राएं ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तंदूर पकोड़ा। तंदूर पकोड़ा बनाने के लिए चलिए देखते हैं क्या क्या लिए हैं हमने। ये पत्ता गोभी लिए हैं, बॉयल कर लिए हैं फूल गोभी और पत्ता गोभी को, और हरी मिर्च है और प्याज है, इसको भी काट लिए हैं एक साथ। और ये आलू है, आलू को भी बॉयल कर लिए हैं। और ये हरा धनिया पत्ता है, इसे काट लिए हैं। बेसन लिए हैं, ये घर में बनाया हुआ मसाला है। टमाटर का पेस्ट है, हल्दी है, नमक है। सारी चीज़ों को अब हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। आलू को देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। और ऐसे पकोड़ा आप लोग ने बहुत सारे पकोड़ा खाए हैं, पर ऐसे तंदूर पकोड़ा किसी ने कौन कौन खाए हैं, कहाँ खाए हैं वो कमेंट करके हमें बताइएगा। अब हमने इसमें बेसन ऐड कर देते हैं। और साथ ही टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। हल्दी ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। इसमें जो मसाला हमने पहले से स्पेशल मसाला बना के रखे थे वो ऐड कर देते हैं। ये घर में बनाया हुआ मसाला है, दो चम्मच ऐड कर दिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। सारी चीज़ों को अच्छा से हमने मिक्स कर लिए हैं। देखिए इसी तरह से आपको भी मिक्स करना है। देखिए अच्छा से, देखिए हम लकड़ी का चूल्हा इससे जला लेते हैं, रेडी कर लिए हैं। देखिए हमारा चूल्हा जल के रेडी है, अब इसमें हम सेकेंगे पकौड़ा को। अब हम इस तरह करके सजा लेते हैं ऐसा करके, उसके बाद इसको हम सेकेंगे आग में। देखिए सारे पकौड़े को हमने इस तरह से सेट कर लिए हैं, इसको अब हम बंद कर देते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब चूल्हा में इसको हम सेकने के लिए बिठा देते हैं। देखिए इसको धीमी आंच में ही सेकना है, ज़्यादा आग नहीं है। देखिए ऐसे कम जल रहा है आग, इस तरह से सेकना है इसको। देखिए एक तरफ पलट दिए हैं और ऐसे हल्का हल्का तेल ऐड करते रहना है बीच बीच में। देखिए हमारा पकोड़ा बन के रेडी है, तैयार है तंदूर पकोड़ा। देखिए ये तंदूर पकोड़ा हमारा तैयार है, बन के रेडी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से पक गए हैं, ये बिल्कुल रेडी है। चाय कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं इसे, और ठंडी के मौसम में आप खा सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से पके हैं ये, और आप इसे सर्दी का मौसम में ट्राई कर सकते हैं। और ये कैसे आपको लगा वीडियो, आप कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।